हाँ सर, हमारे यहाँ पास की नजर कमजोर है, अभी हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पास की नजर नहीं आता, किताब भी पढ़ नहीं सकते, पास की नजर नहीं आती है। तो फिर आंखों के डॉक्टर से दिखाओ जी, और गाजर टमाटर चुकंदर का वैसे जूस पियो, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पिंकी जी, कब से प्रोग्राम देखती हो आप? बीच बीच में कई साल से देख रहे हैं, बीच में कभी कभी देख पाते हैं, बीच में कभी देख पाते, कभी नहीं देखते। अच्छा, कभी कभी देखते हो, कभी नहीं देखते। चलो, क्या कोई उपाय किया अभी तक लगातार आपने? बस नेल्स पे हाथ का तेल लगाते हैं, और तो अभी तक। अच्छा, नेल्स पे तेल लगा रहे हो, कितने दिन से लगा रहे हो लगातार? हो गया होगा 5-6 महीने से ज्यादा हो गए। 5-6 महीने, क्या फर्क पड़ा 5-6 महीने में? अभी तो कुछ पता नहीं चला मेरे को भी। पता नहीं चला, चलो। अकेले आप ही लगाते हैं, हस्बैंड भी लगाते हैं? नहीं, मैं ही लगाती हूँ, वो नहीं लगाते, कहना नहीं मानते ना। कहना नहीं मानते, फिर वो दिया क्यों नहीं लगाया आपने? वो तो हल्दी का दूध पिलाओ उनको, वो आप कह दोगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाएंगे। वो तो कमाल कर दिया आपने, इतना काड़ा मारने के पिंकी जी, आपने देखा नहीं है, बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। चलो, तो मजाक की बात थी, लेकिन फिर भी कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर फोन करके पूरी हिस्ट्री ले और पूरा पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया जी पिंकी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए चलिए इस कार्यक्रम में लगाते हैं विराम। लेकिन हर बार की तरह जाने से पहले बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। वैदिक उपचार संस्था द्वारा चलाए जा रहे योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद शिविर में हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर आयुर्वेदिक ढंग से चलाए जाने वाले उपचार से बहुत से परेशान लोग आराम पा रहे हैं। मेरा नाम सीमा है, मैं वैदिक उपचार संस्था से ठंडी गर्म पट्टी लेके बांध रही थी, उससे मुझे बहुत आराम मिला है। मेरा पेट बहुत पहले से ठीक हो गया है, अब मेरी मम्मी का इलाज चल रहा है वहाँ से। उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, अब पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। मैंने दिया भी लगाया था, मैं नेल्स पे तेल भी लगाती हूँ, रात को कुत्ते शाम के टाइम या दिन में जब भी हो कुत्ते को दूध भी पिलाती हूँ, उससे पहले से घर में सुख शांति है। थोड़ी मेरे को पहले से घुटनों में बहुत आराम है, लेटने से पहले दर्द होता है उससे ज़्यादा ही आराम है, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी वैसे पहले से बहुत फर्क है। योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद शिविरों का लाभ उठाएं। आज ही अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फोन करें 9266300600। मेरा नाम वंदना है, मेरठ की रहने वाली हूँ। सर, मेरे हस्बैंड दारू पीते थे बहुत, सर मैंने आपको बताए वो दिया जलाया मैंने उनके नाम का, सर अब उनको दारू बिल्कुल छूट गई है, हालांकि उन्हें जॉन्डिस हो गया है, लेकिन किसी वजह से भी हुआ हो लेकिन दारू बिल्कुल नहीं पीते। वैदिक उपचार मशीन जो है वो वाले भी मंगा रखी है, हल्दी वाला दूध है वो भी मैं पीती हूँ, और सर आपका डेली प्रोग्राम देखती हूँ मैं। मेरी मैं पथरी थी सर, वो मैंने डॉक्टर बंसल को दिखाया, 2 महीने से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जो रिपोर्ट आ रही थी वो भी मेरी कम होकर आ रही है। योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद शिविर का आयोजन अपने शहर में करवाने के लिए संपर्क करें 9266300600। वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा, सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेकिंग इन इंडिया। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं डीपीएफ होम प्रेजेंस कासा रोमाना, है लग्जरी मीट अफोर्डेबिलिटी। क्रिकेट के महायुद्ध में भारत की आंधी में उड़ा दक्षिण अफ्रीका, 130 रनों से माही की सेना ने अफ्रीका को किया चित, जश्न में डूबा पूरा देश। आम बजट से पहले दिल्ली में बुलाई गई संसदीय बैठक, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों से मांगा संसद को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग, इनेलो की तरफ से दुष्यंत चौटाला भी बैठक में हुए शामिल।
नमस्कार, महायुद्ध देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। और महायुद्ध के एक अहम मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका पर जीत हासिल की है। 130 रनों की यह जीत अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, और साथ ही साथ 23 साल का जो सूखा था वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को ना हरा पाने की जो टीस थी वो खत्म कर दी है माही की सेना ने। और आखिरकार आज इस मुकाबले में एक बेहतरीन जीत दर्ज की है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, आइए तारुफ कराते हैं एक बार फिर से उनका। ख्याति जी हमारे साथ जुड़ी भी हैं, आज सुबह से ही लगातार हम हर मैच की पल पल की अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से, ललित जी बहुत बहुत स्वागत, फजल साहब बहुत बहुत स्वागत, और हमारे साथ जिस तरीके से पत्रकार जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हम चंडीगढ़ का भी रुख करेंगे, दिनेश मुंगिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और चंडीगढ़ में हमारे साथ हमारे सहयोग विशाल भी जुड़े हुए हैं, कई लोगों के साथ इस वक्त वो भी मौजूद हैं। विशाल आपके पास भी हम आएंगे, लोगों का रुझान भी जानने की कोशिश करेंगे, कितनी खुशी है वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पुष्पेंद्र जी स्वागत में आपका नहीं कर पाया था, माफी चाहूंगा, लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। एक तरफ बात हो रही थी 70-30 की, कहीं 60-40 की, और आपने भी नपातुला एक बयान सा दिया था, अब बताइए। लेकिन उस नपातुले बयान में हाईएस्ट स्कोर मेरा था 280, जो आपका भी था 280। लेकिन मैं कहूंगा ओवरऑल अगर विश्लेषण की बात करें तो यहाँ अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया जीती, क्योंकि टीम इंडिया एक प्लेयर की वजह से नहीं जीती बल्कि 4-5 कारण की वजह से जीती, जिसे वाकई में चैंपियन परफॉर्मेंस कहेंगे। मुझे नहीं लगता कि पिछले 30-35 साल में जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के किसी भी डिफेंडिंग चैंपियन ने ऐसा परफॉर्मेंस आज तक दिया कि लगातार 2 मैच और इतने शानदार परफॉर्मेंस के साथ जीते हो। कभी कोई टाइटल विनर नहीं डिफेंड कर पाया, ना 92 में पाकिस्तान जीतने के बाद 96 में कर पाया, ना 96 वाली विनर श्रीलंका 99 में कर पाई, ना ही वेस्टइंडीज कभी 83 में उस तरह से परफॉर्म कर पाई थी, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस। लेकिन जो 5 कारण थे वो जल्दी बताना चाहूंगा। पहला सीधा सा कारण, शानदार पारी, मेमोरेबल पारी शिखर धवन की। दूसरा, उनको अजिंक्य रहाणे का बड़ा अच्छा साथ मिल गया, पार्टनरशिप में भी मिला और बैटिंग में भी मिला, जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने, जो सुरेश रैना ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दिया था वो रोल यहां पर इन्होंने प्ले किया। विराट कोहली का यहां इग्नोर नहीं कर सकते उनके परफॉर्मेंस को, क्योंकि शिखर को क्रीज पे जमने का जो मौका मिला वो विराट कोहली की वजह से मिला। पार्टनरशिप सबसे लंबी रही, 2 बैक-टू-बैक शतकीय पार्टनरशिप थी जी। ये चौथा रीजन, चौथा रीजन ये था जो अश्विन ने बॉलिंग की है वो यहां पर काम कर गया। और जो हम बात भी कर रहे थे मैं और ख्याति इस बारे में कि अनिल कुंबले वहां पर हैं अवार्ड लेने के लिए, अनिल कुंबले से कल अश्विन की इस बारे में मुलाकात भी हुई थी, तो ऑब्वियस है कि दोनों में बातचीत हुई होगी, कुछ ना कुछ टिप्स का शेयरिंग हुई होगी, तो शायद वो मुलाकात जो है आज उनको क्लिक कर गई, काम कर गई। और आखिरी चीज, यहां पर शमी और मोहित ने एक बार से फिर से अपना रंग दिखाया। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपके हाथ में गेंद भी है ख्याति, और वाकई गेंद से कमाल कर दिया आज टीम इंडिया ने। आज देखा जाए तो फील्डिंग में भी